जम्मू में शहीद हुए जवानों का शव पहुंचा जोलीग्रांट एयरपोर्ट, सैनिक कल्याण मंत्री ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दिया बड़ा बयान, कहा उनकी पहचान सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि गुर्जर बिरादरी से भी है। उत्तराखंड में पीएम मोदी का दूसरा दौरा हुआ तय, 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे मोदी। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट, प्रदेश में आने वाले 3 दिन पड़ सकते हैं भारी। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। देहरादून में हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज की तरफ से आयोजित किए गए दशहरा मेले में हिस्सा लेने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुना कॉलोनी गए और वहां उन्होंने स्थानीय लोगों और दुकानदारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी से बड़े अपनेपन से बात की। हरिद्वार से खानपुर के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पहचान सिर्फ भाजपा से ही नहीं बल्कि गुर्जर बिरादरी से भी है। वहीं नेशनल हैवीवेट चैंपियन रहे क्वालिफाइड और गुर्जर लंढोरा रियासत का राजा है। जानकारी के मुताबिक विधायक चैंपियन 2016 में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में से एक हैं। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों चर्चा है कि कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हैवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, IFS क्वालिफाइड, वीर गुर्जर लंढोरा रियासत का राजा हूँ। खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुजरों से पहचान है मेरी। ये देखो, गुजरों से पहचान है मेरी। देहरादून में केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निजी व्यापार बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता प्रभु लाल बहुगुणा ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निजी हाथों में देकर सरकार उसमें काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे रायपुर के कई लोगों की नौकरी खतरे में है। वहीं केंद्र की इस नीति का वे लोग विरोध करते हैं और साथ ही उन्होंने सरकार के निजीकरण बंद नहीं करने तक आंदोलन करने की बात कही है। आज हर व्यक्ति बड़ा पीड़ित है और बड़ा दुखी है इस बात से लेकर के कि ये जो हमारी शान थी, उत्तराखंड की शान थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री को इन्होंने जो बेचने का काम किया, इससे पूरा उत्तराखंड आज शुभ्ध है कि ये क्या कारण था कि इसको निजीकरण करने के लिए जो आज इन्होंने कदम उठाया, क्या कारण था इसका। आज जो हमारे यहाँ हजारों हजारों बेरोजगार युवा यहाँ पर खड़ा है, इस ये कहाँ जाएगा। देखें, ये केंद्र सरकार है, ये पूरी तानाशाह सरकार है। जिस तरीके से आज ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण कर रही है, इसी प्रकार से इन्होंने ठान ली है हर विभागों को पहले घाटे में दिखाना, उसके बाद उन विभागों को प्राइवेट हाथों में देना। ये आज इन्होंने शुरुआत कर दी है किसी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेट हाथों में देना। जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिखाई दे रही है, जब भी भारत के युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपना जी जान और दिन रात एक झोंक करके युद्ध में पूरी भूमिका निभाई। और उसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों का जिनका यह योगदान है, पहले उन्हें पेंशन से बाहर कर दिया गया, उनकी पेंशन छीन ली गई, और अब यह केंद्र सरकार उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के पेंशन के साथ अब रोजगार छीनने में लगी है। प्रदेश की राजधानी देहरादून से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीती रात कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ लोग बड़े आरोपों से भरे बैनर इलाकों में लगाते हुए नजर आए, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा नेहा जोशी के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह की हत्या का आरोप पाकिस्तान के जनजत
कमर चीमा बाजवा पर लगाते हुए नेहा ने बाजवा को हरीश रावत का भाई और मित्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक राजधानी में लोग इन बैनर पर बड़ा विवाद और राजनीति होना तो तय माना जा रहा है। देखिए, इसे मैं एक घटिया राजनीति के तौर पर देखती हूँ, एक निचले स्तर की राजनीति के तरह देखती हूँ। केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी भी तरह के हद तक नहीं जा सकते। हमारे जो रणबांकुरे हैं वो अपना सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं, हमारे देश के लिए न्यौछावर हो रहे हैं, अपना योगदान इस देश के निर्माण के लिए दे रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ दल के लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, सेना के पराक्रम और उसके शौर्य के बदौलत जो है अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर बचना चाहिए और सभी दलों को, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपने सेना और राजनीति का जो घालमेल किया है वो कहीं से कहीं तक किसी के गले नहीं उतरेगा। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर के अगले 20 दिनों के लिए बंद होने की खबर सामने आई है। इस दौरान वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान में परेशानी होगी, साथ ही NCR क्षेत्र में पानी की किल्लत भी हो सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक गंग नहर 4 नवम्बर दीपावली की रात को खोली जाएगी। बाजपुर में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लोभ लालच के चलते पार्टी बदलने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदल करने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता है। इस दौरान उन्होंने यशपाल आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने स्वार्थ और परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग पार्टी बदलने का काम करते हैं, जिन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं है। किसी के आने जाने से आज तक किसी भी दल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान होता है चाहे किसी दल में भी, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी नेता के पीछे निष्ठावान होकर काम करते हैं, और जब वह नेता अपने लोभ लालच के लिए दल बदल करता है, तो वहाँ के जो स्थायी कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इज्जत को दाव पर लगा के, अपने सम्मान को दाव पर लगा के पार्टियों के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, चाहे वो BJP हो चाहे वो कांग्रेस में हो। निश्चित ही ऐसे घटिया टाइप के लोग जो अपने लोभ लालच के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं, वह निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं और वो उनको अपमानित करते हैं। बागेश्वर स्वीप की ओर से जायका विजुला में बच्चों और शिक्षकों ने वॉल पेंटिंग और लेखन की मदद से मतदाता जागरूकता का संदेश देकर मतदान का संकल्प भी दिलवाया। जानकारी के मुताबिक गरुड़ में कई सार्वजनिक जगहों पर इन दिनों रेडक्रॉस, नेहरू युवा केंद्र और छात्र छात्राओं की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए वॉल पेंटिंग की जा रही है, जिसमें स्थानीय लोगों को भी लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम में वॉलेंटियर्स और छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। नैनीताल में शुक्रवार को दशहरा पर्व और वीकेंड के अवकाश होने से पर्यटकों की भीड़ देखी गई, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में काफी दिक्कतें आईं, जिसे पुलिस के पर्यटक वाहनों को खुरपाताल बाईपास के लिए डाइवर्ट किए जाने पर पर्यटकों में खासी नाराजगी देखी गई। साथ ही होटल एसोसिएशन ने भी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल से शिकायत की। सरोवर नगरी के कई इलाकों और झील में नौकायान के लिए सैलानियों की भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि पर्यटकों के आने से टैक्सी चालकों ने लेक टूर और नैनीताल दर्शन के मनमाफिक रेट वसूले। नमस्कार, तो इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ दीप्ति बोरा, और मैं अभी सरोवर नगरी नैनीताल में हूँ।
बता दें कि वीकेंड की छुट्टी के चलते सरवन नगरी नैनीताल में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में बाईपास नारायण नगर और रूसी बाईपास में पर्यटकों के वाहनों को रोक दिया गया है, क्योंकि सरवन नगरी नैनीताल में तमाम पार्किंगें फुल हो चुकी हैं और सभी पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से नैनीताल भेजा जा रहा है। गुरुवार शाम से ही पर्यटक काफ़ी भारी मात्रा में नैनीताल पहुंचने लगे थे, जिसके बाद शुक्रवार को दशहरा के चलते भारी मात्रा में पर्यटक नजर आए। शनिवार को शहर में लगातार यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आई। तो आपके साथ मैं मौजूद हूं दीप्ति बोरा News 31 से। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।